ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसानों के आंदोलन का आज 120वां दिन है। आज संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का बंद है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद रहेगा और कृषि कानून रद्द करने की मांग पर ये किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। NCP का किसानों के भारत बंद को समर्थन मिला है। तो किसानों के आंदोलन का ये 120वां दिन है। और हमारे सहयोगी जयपुर से, बीकानेर से और कोटा से जुड़ गए हैं। जयपुर से जियाउद्दीन है हमारे साथ, बीकानेर से लक्ष्मण राघव और कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। जिया, किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, किस तरह का असर दिख रहा है भारत बंद का? देखा अगर देखा जाए तो जयपुर के अंदर भारत बंद का जो असर दिखना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। तमाम बाज़ार जो हैं उनके अंदर कई दुकानें ऐसी हैं जो अब एक के बाद एक खुलना शुरू हो गई हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। लोगों का यही कहना था कि जो जयपुर का मार्केट है 11 बजे तक खुलता है, लेकिन हमने तमाम सड़कों का, शहर का जायज़ा लिया, ऐसा कहीं नज़ारा नहीं नज़र आया जहाँ पे कोई किसान संगठन हो या कोई व्यापार मंडल हो या कोई और संगठन हो जिसने बंद का समर्थन किया हो और वो दुकानदारों से बंद करवाता नजर आया हो। क्योंकि अब अभी इस वक्त हम मौजूद है राजा पार्क के क्षेत्र के अंदर, आप देख सकते हैं कि लगातार सभी दुकानें खुल रही हैं, तो यहाँ पे भारत बंद का असर नहीं है। क्योंकि कृषि कानून के विरोध के अंदर जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया था उसको 120 दिन पूरे हुए, 120 दिन पूरे होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बंद का आह्वान किया था। कई व्यापारिक संगठनों ने, विभिन्न संगठनों ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने उनको समर्थन किया था। चूंकि ऐसे के अंदर वो जो समर्थन जो किया था वो बेअसर नज़र आ रहा है जयपुर में, या यूँ कहा जाए कि लोगों को कृषि कानून के विरोध में जो बंद का आह्वान किया था उसको लेकर व्यापारियों ने उनका समर्थन नहीं किया, और जिसके चलते जयपुर के अंदर लगभग आधे से ज़्यादा दुकानें अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। जी मेगा जी जी हाँ, तो जयपुर की बात करें क्योंकि ये सुबह का समय है और धीरे धीरे दुकानों का खुलना शुरू हो गया है। बीकानेर का रुख करते हैं, लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, क्या तस्वीरें हैं, किस तरह का असर है बीकानेर में? देखिए मेगा, आज 4 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो रहे हैं और बीकानेर में कहा जा सकता है कोशिश, यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप पहुंचे हैं, सुबह से ही जो है नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर दुकानें बंद करवा रहे हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे किस तरह से जो है ये किसान जो कार्यकर्ता और नेता है ये नारेबाजी यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। और देखिए दुकानें यहाँ पर मुख्य मार्केट की बात करें तो पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार बंद है, पुलिस की गाड़ी पीछे आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं ये किसान जो है ये संदेश छोड़ रहे हैं कि भले ही हमारे आंदोलन को लंबा वक्त हो गया हो, भले ही सरकार पर फर्क ना पड़ा हो, लेकिन इनमें जोश बरकरार है, जोश के साथ ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए संयुक्त किसान मोर्चा के रामगोपाल है, इंटक के नेता है, मंत किराड़ू है, भीम आर्मी के लोग हैं, हम इनसे शुरू करते हैं और बात समझते हैं। क्या कहेंगे रामगोपाल जी, आंदोलन 4 महीने हो गए हैं, धीरे धीरे जो सरकार का दावा है कि अब उतना जोश नहीं रहा, क्या कह रहे हैं आप, क्या लगता है, क्या यार लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया, हमने भी बीकानेर में आह्वान किया और एक आह्वान पर आज 95% दुकानें अपने आप, हमने किसी को नहीं कहा लेकिन स्वेच्छा से उन्होंने बंद रखी है हमारी अपील पर। ये हम मानते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जो जीत है, और सरकार अगर ये कहे भाई ये किसान थक जाएगा ये कतई संभव नहीं है। जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम इसी जोश के साथ, डबल जोश है किसानों में और उसी जोश से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे हेमंत जी इंटक भी साथ है, क्या कहेंगे आप? हम किसान जो ये संघर्ष कर रहा 4 महीने से, ये सब श्रमिक, छोटे व्यापारी इनके हक में संघर्ष कर रहा है और जीत इनकी होगी। मोदी सरकार जो देश को बेचने का काम कर रही है उसका इंटक विरोध करती है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे भाई, जो आंदोलन है धीरे धीरे लंबा चल गया है तो अब क्या उम्मीद लगती है अभी भी? बिल्कुल, जब तक किसानों की मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा, भीम आर्मी, भीम सेना,
जितने भी है वो सभी संगठन किसान संयुक्त मोर्चा जो है उनके साथ तन मन धन से है। युवा भी दिख रहे हैं कि इस बंद में क्या लगता है, हालांकि उतना असर यहां तो देखे तो है लेकिन बाकी हिस्से में खुल रहा है, तो क्या आप बाकी हिस्सों में बंद कराएंगे? बिल्कुल सर, जो कुछ बीजेपी माइंड है वो लोग क्या है कि इसका समर्थन नहीं कर रहे, बाकी 95% लोग है जो व्यापारी मंडल है वो पूरा हमको सपोर्ट दे रहा है। और पूरा जो ये आप देख रहे हैं केम रोड, कुछ 4-5 दुकानें खुली है, बाकी पूरा व्यापार मंडल हमको सपोर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए किसान कार्यकर्ता झंडों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर और लगातार जोश के साथ, भले ही 4 महीने हो गए हैं लेकिन पूरे जोश के साथ ये कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश छोड़ रहे हैं कि हम आंदोलन जारी रहेंगे। आप क्या कहेंगे भाई, बंद जारी रहेगा, पूरे दिन रहेगा या कैसे? जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरा भारत बंद रहेगा, और उसी के तहत यहाँ बीकानेर भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बंद रहेगा। तो बीकानेर में तो बंद का थोड़ा बहुत यहाँ पर असर दिख रहा है, और किसान जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। भंवर एस चारण कोटा से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। भंवर, कोटा में क्या तस्वीरें हैं? भंवर, तस्वीरें वहाँ की दिखाएं। देखिए वैसे तो ये बंद किसानों का सवेरे 6 से शाम 6 बजे तक के लिए है, लेकिन कोटा में अल सुबह ही जो किसान संगठन है और जो किसान नेता हैं वो एरोड्राम स्थित मंडी पहुंच गए थे, और वहां मंडी पर पहुंच करके और उन्होंने वहां मंडी को बंद करवाया है। लेकिन मंडी बंद के अलावा कोटा में इस बंद का और कहीं भी कोई भी असर नहीं है। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा रहे हैं, ये कोटा के छावनी इलाके की तस्वीरें हैं जहाँ आप देख रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रोज की तरह चल रहा है, बस यातायात रेल यातायात किसी तरह से प्रभावित नहीं है, और जो बाजार है वो बाजार भी पूरी तरह से खुला हुआ है। यानी कि जो दावा किया जा रहा था किसान संगठनों की तरफ से कि हमें व्यापार संघों का, ट्रेड यूनियन संगठनों का हमें समर्थन मिला है और स्वतः स्फूर्त तरीके से किसानों के आंदोलन को जो जनता है, जो किसान संगठन है, जो व्यापार संगठन है वो यहाँ पर समर्थन देंगे, लेकिन वो समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि कोटा की जो एरोड्राम की फल सब्जी मंडी है वहाँ जरूर सुबह पहुँच करके, और किसानों ने मंडी बंद कराई थी, मंडी के गेट पर प्रदर्शन किया था, और फिलहाल थोड़ी देर बाद ही कोटा शहर के घटोत्कच चौराहे से एक रैली जो है वो भी संयुक्त रूप से किसान मोर्चे की अगुवाई में किसान निकालने वाले हैं। लेकिन जिस तरह के बंद के दावे किसान संगठनों की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोटा में भारत बंद के दौरान कराने के दावे किए गए थे, वो दावे कम से कम यहाँ पर जमीन पर उतरते, धरातल पर उतरते नज़र नहीं आ रहे हैं, और बंद का कोई विशेष असर कोटा में है नहीं। जी बिल्कुल भंवर, और क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे थे लेकिन अभी तक इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, और यातायात भी पीछे हम देख रहे हैं कि सुचारू चल रहा है। जिया, आपका रुख करते हैं, क्योंकि रेल यातायात जो है, रेल मार्ग जो है वो भी बाधित करने की बात कही जा रही थी, तो क्या ऐसी कोई सूचना मिल रही है जयपुर से? जाम किया जाएगा, बाजार बंद कराया जाएगा और व्यापक असर होगा इस बंद का, लेकिन वो दावे हवाई नजर आए। ना तो रेल यातायात को कहीं पे बाधित करने की कोई सूचना आई है, ना ही कहीं पे हाईवे बंद करने की सूचना आई है, और ना ही अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद हुआ। क्योंकि यही वजह है कि लगातार बीजेपी इस बात को लेकर हावी होती जा रही है कि जो किसान आंदोलन है वो चंद लोगों के अंदर सीमित रह गया है, चंद क्षेत्रों के अंदर सीमित रह गया है, पूरे प्रदेश भर के अंदर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन